दोस्तों जय हिंद जय महाराष्ट्र। रात में मैं कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर आप मेरे को रात में देखे होंगे। तो जरूरत ऐसी पड़ गई कि समय पता नहीं मैं कल वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, इस कारण से मैं अभी बोर हूँ। देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 87 नंबर और 91 नंबर का एक वीडियो है, ठीक है, अपने चैनल पे दिया हुआ। नीचे में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा, आप दोनों वीडियो देख लेना। आपको समझ जाएगा कि पिजन पॉक्स क्या होता है, क्यों फैलता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन मैं वहां पे कैसा बोला हूँ फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये स्क्रीन पे देखो, ये होता है बेटाडीन का ट्यूब। इसका जो साल्ट नेम है प्रोविटेरिन आयोडीन, ये बहुत कॉमन है, हर जगह पे मिल जाता है और ये पॉक्स के फोड़ों के ऊपर में लगाया जाता है। ये बात ध्यान में रखना, 7 से 8 दिन इसको कंटिन्यू लगाना है। उसके साथ में आपको मैं तो डायरेक्ट ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं जमता है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का गोली आता है। ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा 500 mg का गोली होता है, जिसके आपको 15 टुकड़े करना है। अगर बच्चा है तो 15 टुकड़े करना है, और यानी थोड़ा बड़ा बच्चा है जो सेल्फ फीडिंग वाला बच्चा है तो उसको आपको 50 mg देना है, यानी 10 टुकड़े करना है वो गोली के, और डेली आपको देना है। तो आपको देना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तक इतना डीप में नहीं बताया था, अभी पूरा क्लियर करके बताता हूँ। मतलब आपने ये वीडियो देख लिए तो आपको पॉक्स का पूरा मैटर खत्म हो जाएगा दिमाग के अंदर से। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो गोली है उसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, विमराल का लिक्विड है उसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मल्टी स्टार का लिक्विड है उसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और ब्रूटोन या लिवो 52 का लिक्विड है उसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। गर्म पानी लेने का है आपको 5 ml एक इंजेक्शन के अंदर में, उसको कोई कटोरी में आप डाल दो, मट्टी के या स्टील के। उसमें विमराल 4 ड्रॉप्स डालो, मल्टी स्टार 2 से 3 ड्रॉप्स डालो, लीवर टॉनिक लीवो 52 या ब्रूटॉन्स 2 ड्रॉप्स डालो, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आपने 10 टुकड़ा किया था उसका एक टुकड़ा उठा के पानी में डालो, क्रश करके उसको अच्छे से घोल के आप वो बच्चे को 5 ml पानी के साथ में वो पिला दो। मेरे को लगता है वो 5 ml पानी, 5 ml ना रहते हुए 7 से 8 ml बन जाए तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो फिर आप उठाते ही टाइम में 4 ml पानी उठा लो तो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 7 ml भी पानी चला गया उनके पेट में। तो दिन में आपको ये चीज एक बार करनी है, ठीक है, ऐसा आपको कम से कम 6 दिन करना है, और ट्यूब भी उसको कम से कम 6 दिन लगाना है, 7 दिन लगाना है कंटिन्यूस। ये ट्यूब बस आंखों के ऊपर नहीं लगाना है, बाकी आंखों को छोड़ के आप हर जगह पे लगा सकते हो। मैं रात में वीडियो शूट नहीं करता हूँ तो थोड़ा भगदड़ मच गई है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था जिसमें पूरा क्लियरिफिकेशन था, सिर्फ और सिर्फ फोकस था पिजन पॉक्स के ऊपर में। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जल्दी इससे पिजन पॉक्स कंट्रोल हो जाता है। ठीक है भाई, रखता हूँ।